संकल्प प्रतिष्ठानच्या हंडीला या ठिकाणी अमिषा पटेल यांनी हजेरी लावलेली आहे. या लहानग्यांना, या बाळगोपालांना ते आता या ठिकाणी ट्रॉफी आणि बक्षीस येताना दिसत आहे. या ठिकाणी महिलांनी देखील थर रचलेले आहेत आणि संकल्प हंडीचं आयोजन गेल्या 19 वर्षापासून आयोजक रवींद्र फाटक करत असतात आणि या ठिकाणी अमिषा पटेल सुद्धा आलेले. मॅडम, मॅडम संकल्प हंडी में आए हैं, किस तरह से त्यौहार मना रहे? जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके क्योंकि ये लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए किया गया है. पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि एक दही हांडी का आयोजन खास करके लड़कियों के लिए किया जा रहा है. और बचपन में मैं बहुत खेलती थी, मैं चढ़ती थी, गिरती थी, चोट भी आती थी, लेकिन मुझे खुशी होती थी और फिर से चढ़ जाती, तो अच्छा लग रहा है. आने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले पीढ़ी में बच्चे लोग, लड़कियां आगे बढ़ने के लिए किस तरह? बिल्कुल, लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है और ये बहुत अच्छा है कि उनके लिए भी आयोजन किया गया है. थैंक यू. अमिषा पटेल त्यांनी सांगितले महिला पण कुठेतरी कमी नाही आहे, त्यामुळे संकल्प हांडी या ठिकाणी त्यांनी उत्सवाच्या वातावरणात त्यांनी देखील सहभाग घेतला आणि या ठिकाणी त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यामुळे नागनाथ गणेश सुरात मराठी ठाणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.